जनपद कन्नौज के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम शंकरपुर में सोमवार को पुरानी रंजिश को लेकर दिन दहाड़े फायरिंग होने से 3 लोग घायल हो गए। घायल मनोज कुमार ने गांव के ही रवि यादव, शीलू यादव, लाइव सिंह, रमाकांत, सर्वेंद्र, रामविलास, उमाकांत, अर्पित यादव, प्रदीप यादव और आलोक यादव निवासी ग्राम शंकरपुर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। मनोज ने बताया कि वो अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, उसी समय गांव के लोग आए और गाली गलौज करने लगे। जब उसने गाली गलौज करने से मना किया तो इन लोगों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पैसे मांगते हैं और दबंगे गुंडे दिखाते हैं, उनपे पकड़ भी करी है, लूट भी है, राजनी है, स्टीटर है, गंगेटर भी लगा। अब तो पूरे गांव दबंगे ही। कौन लोग हैं? प्रदीप और बड़े रवि, नायब, सीलू, सरबेन, उमाकांत, रमाकांत, अवैध सलाह है साहब, इंग्लिश छिने हुए छिने हुए सलाह है। इससे पहले पुलिस से आपने को शिकायत नहीं की? पुलिस दो बार इंतजार हो चुकी है, दो बार इंतजार है मेरी पहले से। बात कचू ना, जब दबंगई गुंडागर्दी स्टीटर मतलब पकड़े, वो तो पुराने बदमाश है हमारे, पूरे कांटे को उठा। कौन लोग बस, किन लोगों से चली थी, कौन लोग हैं वो? रवि और है और वो का नाम उमाकांत, रमाकांत, सरवेन। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता पुत्र को डॉक्टरी परीक्षण के लिए शौसैया अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने गांव के 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। फायरिंग की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सत्य प्रकाश फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ कन्नौज से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।